और एक्शन। इनसे शुरू करेंगे, ये बहुत कुछ कहना चाहता मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया शो है। यूएसपी ऑफ द शो इज द कॉन्सेप्ट। और सबसे बढ़िया बात है कि फर्स्ट एपिसोड में एंड हो जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड करेगा बट दिस इज द फैक्ट। एंड द कास्ट, it's awesome. Thanks. Thank you. Yeah, including myself. A lot of senior actors like Bhavana ji is there, Sudhir ji, Mushtaq ji. So the cast is mind-blowing, crystal है, तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करके. It's a beautiful show. आप एक retired police के कैरेक्टर में suspended. ना तो retired और ना ही निकाले गए. Suspended. अच्छा, उसकी भी एक लंबी चौड़ी कहानी है कि कैसे मैं बेवकूफ़ बनता हूँ और कैसे सस्पेंड होता हूँ. बट मैं इतना obsessed हूँ अपने काम से कि मैं घर में भी ये बिल्ले लगा के सोता हूँ और उठता हूँ. और ये देखो, ये मेरे नकली पिस्टल का यहाँ पर ये बेल्ट भी है. अभी स्टार्स नहीं दिख रहे तो स्टार्स भी हैं. तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ. और दादाजी और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि सर उतार दे, ये सब सस्पेंड हो चुका है. लेकिन क्या तो सस्पेंडेड हूँ, निकाला नहीं गया. तो ये काफ़ी फ़नी है एंड कोशिश कर रहा हूँ कि और फ़नी करूँ. आप एक देवरानी का कैरेक्टर प्ले करें. सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले लूँ क्योंकि मुझे इस घर में कोई ज़्यादा भाव मिलता नहीं है. आप एक देवरानी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जी. तो सामने आप कहीं इस जगह इसमें बेलन का यूज करते दिखेंगे. बेलन मैं ये किचन में नहीं गई है पूरे शो में अभी तक. तो बेलन तो बहुत जैसे आपने देखा है कि मेरा सिर्फ काम ये है कि मैं सेल्फी खींचूं, खूबसूरत लगूं. और मेरा काम ये है कि मैं ज़्यादा काम नहीं करती या फिर बिल्कुल कोई काम नहीं करती. तो ऐसा है बस. मैं कामचोर हूँ, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता. मैं मेरे कैरेक्टर की बात कर रही हूँ और मेरे कैरेक्टर का नाम है शालिनी अवस्थी. इनकी पत्नी हूँ. और हम दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटी है. जैसे ये रिटायर्ड है तो मैंने काम से रिटायरमेंट, सस्पेंडेड है तो मैंने काम से रिटायरमेंट ले ली है. मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. लेकिन काम ना करने के लिए भी मेरे पास ऐसे एक्सक्यूज़ है जो आज तक कोई बहू ने अपने घर में नहीं दिए होंगे. मतलब भूत ऐसे एक्सक्यूज़ के नहीं, मतलब एक्सक्यूज़ नहीं है, मुझे एक्चुअली भूत दिखते हैं. पर इनको ऐसा लगता है कि मैं ये एक्सक्यूज़ देती हूँ. मुझे सच में भूत दिखते हैं. आपके पीछे कोई खड़ा है, आपके भी पीछे कोई खड़ा है. मैं सच कैमरा के साथ भूत वाला कैमरा है वो. हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे होते रहता है मेरे साथ. और मैं खुद में बहुत मस्त हूँ, खुश हूँ. मुझे इंजॉय करना अच्छा लगता है और हर बात में अपनी टांग अड़ाना अच्छा लगता है. और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ. इनको सब निकम्मा समझते हैं. और शो का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बेलन आदमी को डैश 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 कुछ भी लिख लेना. कुछ भी हो सकता है. फिल इन द ब्लैंक. यस. ये शो कितने बजे आता है? 10:30 कलर्स, मंडे टू फ्राइडे. प्लीज वॉच इट जी. आपके कैरेक्टर की बात करें तो आप एक प्लेबॉय कैसिनोवा का रोल है या कैसा है, कुछ बताइए. वेल ओके, कंटिन्यू. हमेशा कैरेक्टर में ही होते हैं. नहीं, मेरा यही है कि मैं फ़ोन पे लगा रहता हूँ, गर्लफ्रेंड से बातें करता रहता हूँ, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाता रहता हूँ. कॉलेज जाता हूँ लेकिन जैसे सुना सिर्फ नंबर्स लेके आता हूँ. एग्जाम्स में नहीं, गर्लफ्रेंड के नंबर्स. तो रियल लाइफ में आप नंबर ऐसे नहीं. ये रियल लाइफ में कैरेक्टरलेस नहीं है. बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है. ऑलमोस्ट बहुत ऑपोजिट है जितना हम. इनफैक्ट ये शो की एक ख़ास बात मैं कह रही हूँ कि ऑफ स्क्रीन भी अगर ये आप कैप्चर करेंगे, हम सब की केमिस्ट्री अब तक इतनी अच्छी हो गई है कि हम सब हंसते ही रहते हैं. हमको बस मौका चाहिए कि जोक तो हमारे नॉन स्टॉप ऑफ स्क्रीन भी बनते रहते हैं. आप जब शो देखोगे, एक शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन स्क्रीन तो सब अच्छा हो लेकिन जो ऑफ स्क्रीन होता है उससे काफ़ी अच्छी चीज़. लेकिन अभी जो आपने देखा हमारा थोड़ा सा स्किट, कैसा लगा आपको? डिड यू गेट द क्लियर? ठीक है. सबसे ज़्यादा मजाक मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है मेरा. तो और ऐसे ही होता है हमेशा. ये दोनों ही ऐसे यहाँ मतलब होते हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं. तो मस्ती खोर तो आप इन्हीं से पूछिए. कॉमेडी शो की बात करें तो किस कॉमेडी शो को आप ऐसे लेवल में देखते हो और चाहते कि ये शो भी उस तरह पॉपुलर हो या उस तरह लोग? देयर इज़ नो कंपैरिजन बिकॉज ये जो शो है ऐसा कभी बना नहीं बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द शो. लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट जब मैंने सुना था, जब धीरज ने मुझे सुनाया था, तो आई वाज लाइक कि ऐसा भी हो सकता है. बिकॉज काफ़ी होते हैं जैसे अभी डबल मीनिंग भी होते हैं बट इसके अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरा प्योर कॉमेडी है. आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये ज़्यादा हो रहा है. बच्चे भी देख सकते हैं, तो हमने सबको ध्यान में रखा है। आई थिंक सबको मजा आएगा, आई थिंक सबके एज ग्रुप के लिए भी, और बहुत एंटरटेनिंग है। ऐसा नहीं कि हम बोल सकते हैं कि अरे यंगस्टर्स नहीं देखेंगे या सिर्फ यू नो एक सर्टेन एज के लोग देखेंगे, नहीं, मुझे लगता है कि सबको, क्योंकि मैं कह रही हूँ जैसे हमें सीन करते वक्त हंसी आती है इतनी ज़्यादा कि हमें लगता है कि ओ गॉड, हम काफ़ी बार खुद को कंट्रोल करते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब भी आपको बताएंगे कि काफ़ी डांट भी पड़ती है। तो ऐसे आई जस्ट होप कि आप लोग ये शो देखें और वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी चीज़ों से ये, और आप लोग ही इसको प्रमोट कर सकते हो, तो और कोई बेस्ट नहीं है। आई थिंक इट्स गोना बी द बेस्ट #1 कॉमेडी शो ऑन #1 चैनल। दैट्स व्हाट आई होप एंड एक्सपेक्ट एंड इट्स गोना हैपन। आपका शो है एक बहुत पॉपुलर शो, बिग बॉस को रिप्लेस कर रहा है, तो उसकी भी एक लोगों से एक्सपेक्टेशंस कर रहे होंगे, तो उस बारे में क्या कहना है? एंड डेफिनेटली क्या आप लोग बिग बॉस देखते हैं या ये वही बात होगी जैसे सचिन की जगह विराट आ गया वैसे? अरे वाह, आई थिंक ऐसा ही होने वाला है बिग बॉस की जगह बेलन वाली वो। सो इट्स गोना बी आई शो ऐसा एपिक बने कि लोग कहे कि अच्छा ये शो, जैसे आप बिग बॉस के बारे में कह रहे हो, तो आई होप ऐसे ही कुछ हो हमारे साथ आपकी दुआ से। बिग बॉस फॉलो कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज उसमें आई वर्क विद शिल्पा शिंदे, तो आई नो हितेन, तो काफ़ी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो उनके लिए मैंने स्टार्ट किया देखना। लेकिन ये सीज़न कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी TRP और बहुत चल भी रहा है एंड इट्स बिकम वेरी पॉपुलर। तो मैंने ये रिलीजियसली काफ़ी फॉलो करने की कोशिश की है और हमारे सेट पे काफ़ी डिस्कशन होता है बहुत ज़्यादा, चाय बिस्किट यही डिस्कस करते रहे। अब नेक्स्ट सवाल ये होगा कौन जीतेगा, यही आने वाला था। अब तो हम बेट कर, माय फेवरेट इज शिल्पा। ये पता नहीं ये उनकी किस्मत है, ये पता नहीं, बट आई थिंक पता, बट क्योंकि होता है कि कुछ ऐसे मुझे लगता है कुछ शॉकिंग या ऐसे कुछ भी हो जाए तो यू नेवर नो, बट मेरे दो फेवरेट्स हैं, शिल्पा एंड विकास। हाँ बट या माइन इज शिल्पा। ओके, ऐसी एक चीज़ बताइए जो ऑडियंस को मजबूर करे इस सीरियल को देखने के लिए। हाँ मैं मजबूर नहीं कर रही अब तक। मैंने देखो कसौटी में 8 साल प्रूव किया था दैट आई कैन डू गुड कॉमेडी, सो गाइस प्लीज वॉच मी अगेन। और लोग कहते हैं आई हैव अ फनी फेस, इट्स सी इसका एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट द USP। आप भी पूछ रहे हैं कि ये शो क्यों देखा जाए, अगेन आई विल रिपीट द कॉन्सेप्ट एंड द एक्टर्स वी हैव ऑन बोर्ड, दे आर ब्रिलियंट। और मैं काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ, कुछ 10-12 साल हो गए मुझे काम करते हुए, टेलीविजन में कॉमेडी करी है, बट इस शो में बिकॉज सुधीर जी हैं, मुश्ताक जी हैं, भावना जी ऐसे सीनियर एक्टर्स हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है रोज़। हाँ हर रोज़, मतलब हमें ऐसा लगता है कि अरे हमने इतनी कॉमेडी करी, हमसे बेटर कोई नहीं है, लेकिन जब हम उनके साथ काम करते हैं ना तो हमें लगता है कि नहीं बहुत कुछ सीखना भाई। मतलब इस उम्र में ऐसी एनर्जी, आप कभी सेट पे आएंगे जो एनर्जी लेवल होता है सबसे ज़्यादा दादाजी का ही होता है, सुधीर जी का, जो सबसे ओल्ड है, सबसे सीनियर है, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो USP इज परफॉर्मेंस, कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस, दैट्स इट। थैंक यू।